लाला दार कुर्सा चौक की तरफ चलाता है दुकान की तरफ चली जाए। हाँ डायरेक्ट सामने सेफ मार्ट आई के बिल्कुल पास ही आती है। कैमरा असल में मेरे हाथ में है, स्टिक जैसे कि मैं बता चुका अभी नहीं है तो अपनी तरफ मैं ज़्यादा कर नहीं रहा। तो अब हम आ गए इस, ये लाइन नंबर क्या है? लाइन नंबर तो कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर अभी भी ये प्लाट पड़े हैं सामने, ये वो पहाड़ी मतलब पहाड़ी एरिया ना, इधर भी ये पहाड़ी का हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा। फासला भी रहा है तो वो चलती ना। ये रास्ता कहाँ जाता है? इस सड़क का मुझे पता नहीं है, काफी अरसे बाद आए हूँ असल में मैं, वरना बचपन में हम लोग इस साइड पे काफी आया करते थे। तो आप लोगों को दिखाने के लिए आज मैं इस रोड पे आ गया कि सोचा इधर की बनाते हैं, जो यहाँ के हमारे व्यूवर्स हैं या जो इस इलाके के रहायशी हैं या आउट ऑफ सिटी या कंट्री चले गए तो वो अपना सारा ये एरिया देखेंगे। यहाँ पे ये सारी पहाड़ी है, ये पहाड़ी टाइप एरिया है और नीचे इधर वो कॉलोनी वगैरह एक बन रही है और यहाँ से वो सारा पहाड़ी वाला एरिया आपको नज़र आएगा। अब तो नीचे वो सारा काफ़ी बन चुका है, कोई कॉलोनी वगैरह, पहले सारा वो मैदान हुआ करता था उधर। और यहाँ से आपके सारे व्यू जो नज़र आ जाएंगे, वहाँ कोई वो फैक्ट्री वगैरह में हैं, फैक्ट्री के कहें क्या कहेंगे उसको जो आग जा रही है, या कारखाना होगा कोई, गैस का प्लांट है, गैस का प्लांट, वो आग नज़र आ रही है। पहले से ये जगह काफ़ी चेंज हो चुकी है, पहले उस वक्त ये घर नहीं हुआ करते थे जब मैं बहुत पहले आया था, तो यहीं से हम खड़े होके देखते थे नीचे का। अब तो ये सामने भी घर बन गया, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से पूरा आपको इस साइड पे सारा वो अडियाला और 502 पार्क में इस साइड पे उसका एरिया, ये सारा ये नीचे जाता है वो कॉलोनी की तरह सारा एरिया। पहले ये घर नहीं हुआ करते थे, ये सारा यहाँ से टॉप आपको व्यू सारे नज़र आया करते थे, लेकिन फिर भी यहाँ से जो है व्यू अच्छा है, जगह भी बहुत प्यारी है, ये सारी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे लगता है खेत वगैरह भी हैं। ये इधर एक कॉलोनी बन रही है, उस तरफ जाता है एरिया, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है। यहाँ पे भी सारी पहाड़ी है, ये जो तुलसा कब्रिस्तान वाली जो ब्लॉग बनाई थी और उसमें मैं वहाँ से जो है कब्रिस्तान से खड़े होके ये सारा एरिया दिखाया था उसमें। ये तो आगे लग रहा बंद है, चलो देखते हैं, क्योंकि पहले ये रास्ता निकलता था, यहाँ आगे कहीं निकलता है ये निकलता है जगह, इधर भी जाके देखते हैं किस साइड पे जाते हैं, पहले इधर देखते हैं।
ना कहीं जाती है। इधर से थोड़ा व्यू लेते हैं कैसी कैसा एरिया है साइड पे। तुलसा कब्रिस्तान इस साइड पे है, आगे जाते जाए यहाँ पे खेत हैं, यहाँ से पता नहीं चल रहा। ये सारे इधर घर शहर आपको नज़र आ रहे हैं, पहले ये खुला होता था, यहाँ से इन्होंने बंद कर दिया। ये रास्ता किधर जाएगा? ये इधर ही खेतों की तरफ आई थिंक निकल जाएगा या बाहर की तरफ। बहुत पहले असल में मैं आया था यहाँ पे, तो काफ़ी अर्से बाद ये वीडियो के चक्कर में हम आ गए हैं यूट्यूब पे। है कहीं जा रहा, जा तो रहा वहाँ मुड़ कर, चलो कहीं तो निकले, चलो बंद भी हुआ तो वरना वापस चले जाएंगे, तो यही कर सकते हैं। आगे बंद है नहीं, हम तो थोड़ा आगे खेत हैं सारे। इस गली की गली में हम आए नहीं थे, हम स्किप कर गए थे, आगे चले गए थे। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि ये जो रास्ता है आगे किस तरफ निकलता है। ये सब घर अभी बने हैं, पहले तो यहाँ घर नहीं थे इतने, पहले हाँ यहाँ पर घर नहीं होते थे, इतने कम ही थे बहुत पहले में जब हम आते थे। आगे भी घर ही हैं यहाँ पे, घर ही हैं, लेकिन ये किस साइड पे निकलता है ये नहीं होता। यहाँ पे ये सारे खेत हैं, वो जो ज़्यादा दरख्त है ना उस साइड पे तुलसा कब्रिस्तान वगैरह, ये इन्हीं खेतों में रास्ता निकल जाता है। यहाँ से आप जाएं तो वो खेतों की साइड पे आप चल जाएंगे तुलसा कब्रिस्तान, फिर आगे की तरफ निकल जाता है। बंद है वो खेतों नहीं, यहाँ से ये निकल जाएगा। हाँ सेटिंग, हाँ बाढ़ भी लगी हुई है, लेकिन वहीं से करके वो निकलता भी है कहीं। बाकी ये एरिया आगे किस साइड पे जाता है ये अभी हमें नहीं पता।